फोटो निकालो, अब वीडियो निकालो जी, फोटो निकालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे वाहिद भाई जो इससे पहले रामनगर डिवीज़न के माइनॉरिटी के सदर थे, वो कोविड के टाइम पे अपने खुद के पैसों से वो कोविड का जो भी काम था, वो चाहे टेंट रहने दो, नहीं तो वैक्सीनेशन के लिए जो भी इंतज़ाम करना था, वो सब भी अपने बल पे किए। ऐसे लोग बहुत कम रहते, और वो हमारे मुशीराबाद के हलके में ऐसा वाहिद अली के ऐसा काम करने वाले आदमी रहना हमारा बहुत लक है। और इसीलिए आज नाइनी नरसिम्हा रेड्डी फाउंडेशन के जानिब से आज हमारे हलके के होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब ने आज उनका फेलिसिटेशन किया। हम लोग सब भी उनको हार्दिक मुबारक देते हैं। शुक्रिया। मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे वहीद भाई साहब जो कोरोना के टाइम पे काफ़ी लोगों की मदद की है, वो उस वक्त भी नहीं बल्कि आज भी, जहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स की बात होती है, जहाँ भी कोई मेडिकेशन की बात होती है, जहाँ भी कोई जो है ना वैक्सीनेशन की बात होती है, तो वहीद भाई हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे इस काम में हिस्सा लेते हैं। ये इंसानी हमदर्दी का बहुत बड़ी एक मिसाल है। मैं दिल की गहराइयों से वहीद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे भी श्रीनिवास रेड्डी साहब को, जो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको एक कोविड वॉरियर अवार्ड पेश कर रहे हैं, जो हमारे हरदिल अजीज़ जाम माजी नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब जो हमारे होम मिनिस्टर साहब थे, हम सबके दिलों में तेलंगाना एजिटेशन से वो जो है हमारे साथ थे और आज हमारे दिलों में हैं। नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब की फाउंडेशन की जानिब से आज उनको अवार्ड दिया गया, हमारे अभी होम मिनिस्टर महमूद अली साहब के हाथों ये अवार्ड दिलाया गया। मैं दिल की गहराइयों से श्री श्रीनिवास रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को एक आइडेंटिफाई करके उनको एक नतीजे तक पहुँचाने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो इनाम हमका ये सिलसिला चालू किए हैं, और फाउंडेशन की जानिब से काफ़ी लोगों की मदद हो रही है, एक बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि नायनी नरसिम्हा रेड्डी साहब थे नहीं, वो आज भी हमारे दिलों में हैं, और हम सब उनके जैसे पहले चाहने वाले थे, आज भी हमारे दिल में वही जज्बा है। आज मैं बहुत खुश हूँ, और सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अवार्ड से नवाजा गया है हमारे होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी के फाउंडेशन से, और श्रीनिवास रेड्डी साहब महमूद अली साहब को लाकर ये अवार्ड महमूद अली साहब के हाथ से मिली। मैं श्रीनिवास रेड्डी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे महमूद अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे आज़म अली साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इन सबको दिल की गहराइयों से खुशी से मैं इजहार करूँ कि आप लोग का बहुत का सबका शुक्रिया, और जितने लोग ये मेरा सुन रहे हैं न्यूज़, उन सब का भी शुक्रिया। और मैं जैसा काम कर रहा हूँ, लॉकडाउन में काम कर रहा, और अपने अभी भी जो है सो कोविशील्ड कोवैक्सीन ये जो कैंप लगाया था, मैं बहुत सारे लोग इससे जो है सो इस्तीफा फ़ायदा उठाए, कॉर्पोरेट करेंगे जो हमारे रामनगर डिवीज़न के लोग, हमारे रिसाले खुर्शीद जाके सैयद एजाज हुसैन भी बहुत कॉर्पोरेट करे मेरे को, और हमारे एजाज हुसैन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबका रिसाले खुर्शीद जा वालों स्टार्टिंग भी बोला सिला हमारे सेना सेठी साहब, मैं बहुत खुश हूँ, और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ आप सबको, और ख़ास तौर के महमूद अली साहब को, सेना सेठी साहब को, आज़म अली साहब को बहुत बहुत शुक्रिया जो अवार्ड दिया है मेरे को हौसला बढ़ाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ।